एटा में समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने मंगलवार को निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी मुन्नी बेगम के पक्ष में मतदान की अपील की। बता दें, एटा कासगंज रोड स्थित यादव नगर के अवध गेस्ट हाउस में सपा के नगर निकाय चुनाव के मुख्य कार्यालय का उद्घाटन पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने किया। इस दौरान पूर्व सांसद देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक रंजीत सुमन, पूर्व विधायक अमित गौरव, अनिल यादव सहित कई गण्यमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एटा से सतपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। नेताजी का ये तीर रहा है। आज जब नेताजी हमारे आपके बीच नहीं है, तब मैं एटा के लोगों आज से अपील जरूर करूंगा कि एटा से वही शानदार परिणाम देना जो शानदार परिणाम आप लोग नेताजी समय लेके आए। आज अखिलेश यादव जी के हाथों को एटा के लोगों इतना मजबूत कर देना और इसमें भी मजबूत कर देना, क्योंकि मामूली बात नहीं है। जो एटा में अत्याचार अन्याय हुए, हमारी सरकार नहीं बनी, भाजपा की सरकार दोबारा बनी तो सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार की शुरुआत अगर कहीं की बीजेपी के लोगों ने तो हमारे एटा जनपद से ही की थी। किस तरह से एमएलसी के चुनाव में यहाँ तांडव हुआ, और केवल एमएलसी के चुनाव का ही तांडव नहीं था बल्कि पूरे बीजेपी की सरकार लगातार जिस तरह से एटा के हमारे नेताओं के ऊपर अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है, उनके परिवारों को तबाह करने की कोशिश कर रही है, उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान चौपट किए, कई साथी मिले आने रामेश्वर विधायक जोगिंदर भाई जी को बात छोड़े, उनके साथ तो अन्याय हो ही रहा है, उनके साथ साथ हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय हो रहा है। इसलिए एटा के लोगों, आपकी जिम्मेदारी बनती है जब बीजेपी के लोग इस तरह के अत्याचार कर रहे हो तो ऐसे अत्याचारों का जवाब समाजवादियों को बखूबी देना आता है। और इस चुनाव में पूर्व के माध्यम से आरी मुन्नी जी को चुनाव यहां से जिताकर बीजेपी के लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का काम इसी एटा शहर के अंदर कर देना, ये हमारी आपसे अपील है। बाहर के जो हमारे मेंबर थे, जब उनको जिता के भेजोगे तभी मुन्नी जी नगर पालिका को बेहतर तरीके से चला पाएंगे। सभी भारों में जिनको समाजवादी पार्टी का निशान साइकिल मिला है या पार्टी ने समर्थन की घोषणा की हो तो सभी हमारे पार्टी साथियों को जिता देना और मुन्नी जी को तो ऐतिहासिक रूप से चुनाव जिता देना। तभी सफल होगा काले भाई आपका त्याग, तभी सफल हो पाएगा। हमारे जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि पांच दावेदार थे,
और जब जिले में बैठ के बातें हुई तो पांचों ने मिलकर जहीर साहब का नाम लिया। ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी सफलता की पार्टी पार्टी की एक अगली मिसाल है ये, और इस मिसाल को सफल तब कर पाएंगे जब आने वाली 11 तारीख को साइकिल। निश्चित तौर पे एटा समाजवादी पार्टी के लिहाज से और नेताजी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जिला है, और मुझे याद है कई चुनावों के चुनाव अभियान की शुरुआत की और नेताजी ने ही एटा से की, और कहीं ना कहीं एटा के लोगों के ऊपर, एटा की जनता पर उनका भरोसा था, उनको यकीन रहा एटा के। मुझे उम्मीद है कि नेताजी के इस भरोसे को एटा के लोग अनवरत रूप से जारी रखेंगे और समाजवादी उम्मीदवार जी। आज भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज हो गई है हार को देखते हुए, और इसीलिए वो अपने उम्मीदवार कहीं बदल रही है, कहीं पर वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार निर्दलीय को समर्थन दे रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? उनको और समाजवादी पार्टी की चिंता छोड़ दें और वो अध्यक्ष की हैसियत से अपनी सरकार से बात करें और याद करें 2022 का घोषणा पत्र क्या था, 19 में उनकी केंद्र की पार्टी ने क्या किया था, 17 और 14 में क्या क्या बातें कही थी। वो जो जनता के बीच बातें कही हैं उन बातों को अपनी सरकार से लागू करें, उन योजनाओं को या उन वादों को,